गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जो हमारी सेवन्थ क्लास मैथ की क्लास में एक्सरसाइज चल रही 2.6 और हमने 3 सम तक कंप्लीट कर लिए थे, आज हम करेंगे अपना फोर्थ और फिफ्थ सम। तो फोर्थ सम में क्या है, एक स्टेटमेंट वाला सम है। आ टू व्हीलर कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 55.3 किलोमीटर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। हम सिंपल लेते हैं कि अगर कोई हमारे पास टू व्हीलर बाइक है या गाड़ी है, कोई भी है फोर व्हीलर, तो अगर वो 1 लीटर में हम ले लेते हैं 50 किलोमीटर जाती है, तो 10 लीटर में कितनी जाएगी। तो अगर हम एवरेज निकालेंगे तो क्या करेंगे, 50 × 10। यहां पर वैल्यू जो दे रखी है सिंपल वो लिखते हैं। ये है हमारा फोर्थ सम। तो डिस्टेंस कवर इन 1 लीटर पेट्रोल, तो 1 लीटर में कितना कवर करता है, ये करता है 55.3 किलोमीटर। और इसने पूछ रखा है हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 लीटर ऑफ पेट्रोल। डिस्टेंस कवर इन 10 लीटर, तो 10 लीटर के लिए क्या करेंगे, 55.3 × 10। हमने उस दिन भी किए थे ये सम, तो उसमें क्या था, पिछली क्लास में हम इस पॉइंट वाली वैल्यू को भूल जाते हैं, हम सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या आएगा हमारा आंसर 5530 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, जो क्वेश्चन है, जो स्टेटमेंट थी उसमें क्या है, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, एक डिजिट है, पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो हम आंसर में क्या करेंगे, एक डिजिट छोड़ देंगे और यहां पर पॉइंट लगा देंगे। तो अब हमारा आ जाएगा 553 किलोमीटर। तो डिस्टेंस कवर इन 10 लीटर इज इक्वल टू 55.3 × 10, और जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 553 किलोमीटर। सिंपल ऐसे करने हैं, जैसे फिफ्थ सम है सिंपल मल्टीप्लाई करो, उसके बाद हमने डेसिमल वैल्यू देखनी है कि कहां पर पॉइंट आएगा। जैसे इसमें सिर्फ सॉल्यूशन निकालने हैं, जैसे फर्स्ट है 2.5 × 0.3, सिंपल हम 25 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा हमारा 75। अब हमें देखना है कि डेसिमल कहां पे लगेगा, तो पॉइंट के बाद एक नंबर ये है और पॉइंट के बाद एक नंबर ये है, तो टोटल कितने नंबर्स, टोटल कितनी डिजिट होगी, 2। तो हम क्या करेंगे, आंसर में ये 2 डिजिट छोड़कर यहां पर पॉइंट लगा देंगे, हमारा आंसर आएगा 0.75। हम एक दो सम और कर लेते हैं, जैसे है हमारा थर्ड सम है 0.2 × 316.8। सिंपल पहले 2 और 3 1 6 8 की मल्टीप्लाई की हमने, 2 8 16, 2 6 12 + 1 13, यहां पर भी 3 और यहां पर 6, ये आ गया। अब देखेंगे कि यहां पर पॉइंट के बाद एक डिजिट है, यहां भी पॉइंट के बाद एक डिजिट, तो क्या करेंगे हम, ये 2 डिजिट छोड़ देंगे, यहां पर पॉइंट लगा देंगे, ये हमारा आ जाएगा 63.36। और सम कर लेते हैं, जैसे हम करते हैं फिफ्थ पार्ट 0.5 × 0.05। सिंपल डेसिमल को भूल जाओ, 5 और 5 की मल्टीप्लाई क्या आएगी, 25। जब बेटा आप इनकी बार बार प्रैक्टिस करोगे, बिल्कुल इजी सम है, डेसिमल को भूल के 5 5 25। अब देखेंगे कि डेसिमल वैल्यू कहां पर आएगी, डेसिमल कहां पर आएगा, तो पॉइंट के बाद 2 नंबर ये है, 1 नंबर ये है, तो टोटल पॉइंट के बाद कितने नंबर हो गए, 3। तो हम क्या करेंगे, 1 2 और 3 नंबर छोड़ के यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे, ये हमारा आ जाएगा आंसर। और करके देखते हैं, हम करते हैं आपका सम नंबर 7th। 7th सम में क्या होगा, स्टेटमेंट है 1.07 × 0.02। क्या करेंगे, डेसिमल हटा दिया, यहाँ पर सिंपल 2 बन जाएगा, 214 आ गया, डेसिमल के बाद 2 नंबर यहाँ पर, 2 डिजिट डेसिमल के बाद 2 डिजिट यहाँ पर है, 2 डिजिट यहाँ पे है, तो क्या हो जाएगा, टोटल डिजिट हो गई हमारी 4। तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 और 4, और यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, इस तरीके से निकालने हैं। जैसे आपका है सम नंबर 10th, ये है 100.01 × 1.1। सिंपल हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई जब हम 11 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 11 × 11, 0 0, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, इतना आ जाएगा जब हम इस नंबर की मल्टीप्लाई 11 के साथ करेंगे। अब देखो
डिजिट कितनी है डेसिमल के बाद, दो यहाँ पर और एक यहाँ पर, तो टोटल डिजिट कितनी होगी, तीन। तो 1, 2, 3, तो 3 डिजिट छोड़ के यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 110.011। तो इस तरीके से आपने सिंपल मल्टीप्लाई करके काउंट करनी है, जो हमारा जो स्टेटमेंट दे रखी, जो इक्वेशन दे रखी थी कि उसमें कितने डेसिमल बनते हैं पॉइंट के बाद, जो नंबर है कितने बनते हैं, वो टोटल काउंट करके उतने ही हमने आंसर में काउंट करके छोड़ देने हैं। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 2.6 जो कि कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज, आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।